नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका अलीगढ़ बुलेटिन का। जानते हैं अलीगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जवाहर नगर में सफाई कर्मी और दो सुपरवाइजरों ने पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोपी की सफाई कर्मी रामबाबू क्षेत्र में सफाई कर रहे थे, इस दौरान पूर्व पार्षद के द्वारा सफाई कर्मी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय सुपरवाइजर के साथ अन्य एक सुपरवाइजर और मौके पर पहुंचा तो पूर्व पार्षद और उसके बेटे ने उनके साथ भी गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दी। घटना की सूचना पर शहर भर के सफाई कर्मी एकत्रित होकर थाना बन्ना देवी पहुंचे और आरोपी पूर्व पार्षद और उसके बेटे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। फिलहाल पीड़ितों द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकर आप लोग यहाँ पर आए? मेरा नाम राहुल सिंघल है, मैं बाढ़ सुपरवाइजर हूँ। ये कैच केचुआ हमारे यहाँ के बाढ़ सुपरवाइजर हैं। इनकी हमारे पास कॉल आई कि हमारे साथ पूर्व पार्षद ने हाथापाई प्लस बदतमीजी करी है। इनकी मामले को संज्ञान में लेते हुए हम अपने यहाँ के नगर निगम हेड वगैरह हम आप पहुँचे मौके पर। हमें वहाँ सुरेंद्र पचौरी प्लस उनका बेटा निखिल पचौरी दोनों वहाँ पर मिले। वो वहाँ अपतर भाषा का प्रयोग करते हुए वो सबसे गाली गलौज कर रहे थे। हमने उनको शांत करने की कोशिश करी तो उन्होंने निखिल पचौरी प्लस उनका पिता सुरेंद्र पचौरी उन्होंने हमारे संग हाथापाई करी, हमारे संग बदतमीजी करी और ये बोला कि जो तुमसे किया जाए वो कर लो। तो क्या फिर आपने थाने घेराव किया? सर, हमने थाना कोई घेराव नहीं किया है, केवल हमने अपना पक्ष रखा है। यहाँ पर ऐसे तो आपको हमने अपनी एक एप्लीकेशन दी है उसी व्याप पे कि सर हमारे संग जो हम तो आप लोग भी सफाई के लिए आते हैं, हम कोई अपना पर्सनल काम तो है नहीं, हम तो आप लोगों के लिए तो सेवा कर रहे हैं। अगर हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों के संग हाथापाई और जी मारपीट हो रही है तो ये तो सर बेकार है ना। किससे कार्रवाई चाहते हैं फिर? और हम तो ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो उन दोनों के खिलाफ, सुरेंद्र पचौरी प्लस निखिल पचौरी। नहीं होती है तो फिर आगे का प्रोसेस। सर आज आपने किस मामले को लेकर थाने का घेराव किया? आज मामले वहाँ वार्ड नंबर 30 में झगड़ा हो गया था। मैं गाड़ी सुपरवाइजर हूँ और मेरे साथ वहाँ बदतमीजी की है वहाँ पर गली में, और मैं यहाँ पे बदतमीजी की, उन्होंने गाली भी दी है, धक्का वक्का भी मारा मेरे साथ में सुपरवाइजर और भी वहाँ पे पार्षद उनसे भी बदतमीजी की उन्होंने। किसने बदतमीजी की आपको? सुरेंद्र पचौरी वो पार्षद है। फूल पार्षद है। अच्छा, वार्ड नंबर 30 के। अब यहाँ क्या करने आया? रोड जाम भी किया आपने? नहीं किया, नहीं अभी। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन सिंह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जज्बा फाउंडेशन ब्रांच अलीगढ़ द्वारा फाउंडेशन महासचिव डॉक्टर स्वालेहीन अख्तर के दिशा निर्देश पर एक जरूरतमंद को स्वयं रोजगार से जोड़ने के लिए बेड कंपनी का ई रिक्शा क्राउन रेजिडेंसी जमालपुर अनूप शहर रोड अलीगढ़ में निःशुल्क वितरण किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद जफर महमूद नौमानी, डीन ऑफ द लॉ फैकल्टी AMU अलीगढ़ ने जज्बा फाउंडेशन द्वारा ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि हम सभी को इस तरह के कार्यों में मदद करनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि गृह श्री जियाउर रब ने कहा कि अगर सरमरायेदार अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सा गरीब लोगों को दे तो देश से गरीबी को खत्म किया जा सकता है। फाउंडेशन महासचिव डॉक्टर स्वालेहीन अख्तर ने बताया कि हमने फाउंडेशन निधि से एक बेहद ज़रूरतमंद की मदद की, उसको निःशुल्क ई रिक्शा देकर स्वयं रोजगार से जोड़ा है। कहा कि ज़रूरतमंद की मदद करना ही फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। राशिद अली ने कार्यक्रम का संचालन किया। फैजल खान ने सभी से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। मुख्य रूप से डॉक्टर मोहम्मद शोएब इस्लामुल हक खां, मोहम्मद आरिफ अलाउद्दीन सैफी, महेंद्र सिंह शदाब खां, मोहम्मद उमैर हामिद अली, डॉक्टर राजकुमार माहौर, सदफ खान, चंदन सिंह इत्यादि सदस्य मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सलीम खान। तो ये आपको आज क्या ये रिक्शा जो मिला है कहाँ से मिला है? जज्बा फाउंडेशन। तो ये जज्बा फाउंडेशन वालों ने निःशुल्क दिया है या कुछ पैसे भी दिए? निःशुल्क लिया। इससे पहले आप क्या करते थे? मजदूरी। आप कुछ कहना चाहेंगे जज्बा फाउंडेशन के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जज्बा फाउंडेशन का। जी सर, ये क्या नाम है आपका और आज ये जज्बा फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया क्या किया गया? मेरा नाम जफर महफूज नौमानी है। मैं यहाँ पे कानून का एक उस्ताद और मुझे बेहद मसर्रत है और मैं फर्द मिसाल से लबरेज हूँ कि जज्बा फाउंडेशन के डॉक्टर सालीन अख्तर साहब ने मुझे मजबूर किया और ये खबर दी कि हम गरीबों में ई रिक्शा तकसीम करके उनको इकोनॉमिक तौर पर हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उनको माशी मदद करना चाहते हैं, उनको
आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और अभी अभी उन्होंने एक पूरे 1.5 लाख के करीब की एक नई गाड़ी एक साहब को उन्होंने दिया या डोनेट किया है। इंतहाई मसरत की बात है, इंतहाई फख्र की बात है और मुझे इस बात पर फख्र है कि हमारे शहर में ऐसे रजाकाराना तंजीमें खासकर जनता फाउंडेशन जैसे जो आवाम में उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी उनसे मुझे जान की है हैरत हुई है कि वो पेशे से डॉक्टर है और ब्लड डोनेशन कैंप और इनके दो डिस्पेंसरीज इस शहर में चल रहे हैं। इस वक्त समाज पे इसकी बड़ी ज़रूरत है, इंसान को आज अपनी तमाम मादी ज़रूरतों के बाद जो भौतिक उसकी ज़रूरियात हैं जो उसकी नीड्स हैं उससे हट के इंसान को कहीं ना कहीं कंपैशन की भी ज़रूरत है, मोहब्बत की भी ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिनको जिनके सपने हैं उनके कदम लगाने की भी ज़रूरत है और इन काम को करने के बाद दिल में एक अजीब सा एक सुकून और एक अजीब सा एक इत्मीनान हासिल होता है। और मैं समझता हूँ कि जज्बा फाउंडेशन के मैं तमाम कामों में दामे दिल में सुनने जहाँ तक मेरी मिसाल है मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा और मुकम्मल इनका तआवुन करूँगा और इश्तराक से मैं फाउंडेशन और भी कामयाबी की मंजिलें तय करे और मैं अपने आप को इससे जोड़ने में फख्र महसूस करूँ। सर कितने ई रिक्शा दिए गए हैं आज? आज तो एक दिया गया क्योंकि ई रिक्शा एक ऐसी चीज़ नहीं है। देखो बच्चों के दरमियान आप 1000 की स्कॉलरशिप बांट रहे हैं, आज उसको तकरीबन 1.5 लाख के करीब ई रिक्शा है तो ये करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। आज एक रिक्शा दिया गया है। ठीक है सर, ये आज जो प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार और जज्बा फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा था जिसमें एक गरीब इंसान को ई रिक्शा जो है उसको दिया गया विदाउट कॉस्ट जज्बा फाउंडेशन की तरफ से, ताकि वो अपनी रोजी और रोटी जो है सेल्फ डिपेंड तरीके से कमा सके और अपनी गृहस्थी अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके, गृहस्थी चला सके और सेल्फ डिपेंड होकर जो है वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की पूरी कर सके। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जज्बा फाउंडेशन का और इस तरह के स्टेप जो है इंशाल्लाह जज्बा फाउंडेशन से आगे भी जो है होते रहेंगे और हम इसकी जो है बहुत वेलकम करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ हमें बुलाया गया और इंशाल्लाह जो है हम जिस लायक भी होंगे जज्बा फाउंडेशन के लिए हर तरह से खड़े रहेंगे, हर तरह से उसका साथ देंगे और जब कभी हमें बुलाएंगे हम सब भी उनके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। सर आपका शुभ नाम। सर ये जज्बा फाउंडेशन की तरफ से ई रिक्शा वितरण किया गया है इस बारे में बताएं। जज्बा फाउंडेशन ने अलीगढ़ उनके टीम के जरिए एक ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया है शहबाना को और जज्बा फाउंडेशन हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करते हुए उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाएं और इसी को लेकर हम लोगों ने ये ई रिक्शा आज दिया है और इंशाल्लाह इसे आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय बनाएं। हमारा फाउंडेशन की तरफ से एक सिलाई सेंटर भी चल रहा है और भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी इसमें काम करते रहेंगे। सर अभी आपने जो परिंदों के लिए जो एक यात्रा निकाली थी और लोगों को जागरूक किया था तो उसका अब तक आपको क्या थोड़ा सा असर देखने को मिला कहीं से कोई मैसेज? नहीं, ये परिंदों को हमने जो पानी और खाने की अपील की थी इसका ज़रूर मैसेज मिलेगा, हमें यकीन है और मिल भी रहा है। हमारी टीम ने पूरी तरह से इस पर काम शुरू किया है, जगह जगह फोटोग्राफ्स भी हमारे पास वो भेज रहे हैं और कई लोगों ने इस पर काम किया और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हमारी क्योंकि ख्वाहिश है कि इंसान तो पानी पी लेता है हर जगह, कहीं भी उसको भूख प्यास लगती है और वो पानी खाना सब कुछ ले लेता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन चरिंदे परिंदे वो आपके दरवाज़ों पर भी बैठे रहते हैं, जहाँ कुत्ता बिल्ली आपके पैरों में पड़ जाते हैं जब आप उनके करीब जाते हैं, तो उनको खाने पीने के लिए आपको कहते हैं कि हमें खिलाई पिलाई और उसके बावजूद हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऊपर परिंदा आपके यहाँ रहे, आज देख रहे हैं कि आप अब से 20 साल पहले की हिस्ट्री ले लें, कितनी चुड़ियाएँ आपके दरवाजे आपकी छतों पर आपके मकानों में रहा करती थी, आज उसमें से 10% भी हमें नज़र नहीं आती। सिर्फ उसकी वजह क्या रही है? कुछ हम लोगों की लापरवाही कि हमने उनको पानी दाना वक्त पर नहीं दिया
तो इंशाल्लाह हमारी उसी चीज को लेकर अपील की थी और आगे भी हम करते हैं कि आप सब लोग अपनी छतों पर कम से कम और दरवाजों के बाहर पेड़ों में या पेड़ों के आसपास पानी और खाना जरूर रखें। जो भी आपके पास है दाने में, चावल, गेहूँ, चना, जो भी आपके पास है, कुछ नहीं है, रोटी के टुकड़े, उसको मसल के उनको रखें और पानी रखें, रोजाना साफ पानी रखें ताकि मच्छर वगैरह भी ना हो, उस पानी में लार्वा पैदा ना हो, क्योंकि इस एंटी लार्वा से भी हमें बचना है। अक्सर हमने सिर्फ पानी रखा, पानी के बर्तन में एक चिकनाई की शक्ल में एक बनता रहता है, बर्तन चिकना हो जाता है, वो पानी फिर बीमारी पैदा करते हैं, एंटी लार्वा उसमें लार्वा बनने लगता है, जिससे डेंगू मलेरिया ऐसे मच्छर उससे पैदा होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें उन बर्तनों को भी रोजाना साफ करना है और उसमें साफ करके रोजाना जानवरों के लिए साफ पानी रखना है, जिससे हम गर्मी की शिद्दत से जानवरों को बचा सकें। सर आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर स्वालिहीन अख्तर, अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की नगर पंचायत बदरका में स्थित ग्रामों में काम न होने पर ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि काम तो शुरू कर दिया जाता है, ना मानकों में होता है और ना ही पूरा कराया जाता है, आधा अधूरा कार्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे सभी ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाँव कोठिया में एक सरकारी दीवार लगाई जा रही थी, वो पूरी दीवार नहीं लगी है और गाँव वासियों के बताए अनुसार एक वर्ष हो गया है और कार्य पूरा नहीं हुआ है। काफी बार शिकायत भी की गई लेकिन सुनवाई नहीं होती। वही वार्ड नंबर 12 में आईसीसी की रोड बनवाई जा रही है जो कि मां को अनुसार नहीं बनाई जा रही है, जिसकी भी शिकायत काफी बार प्रशासनिक अधिकारियों से की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम हीरा सिंह नाम है, गांव कोठिया है, नगर पंचायत मोड़ा लगता है। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है ठेकेदार जो है एक साल के करीब खेल मैदान में बाउंड्री करके और चले गए, गेट कोई चढ़ा नहीं, गेट खाली है और यही कोई बनाए पूछताछ ना कर रहा कोई यहाँ। ये पार्क कब से बंद पड़ा? काम कब से बंद है आपका? एक साल है। एक साल हो गए। एक साल से दीवार कौन सी नहीं लगी? दीवार ये नहीं लगी, जालंग की गेट छिटे हुए ना, गेट चढ़े। अच्छा, और नहीं अभी इसका वो हुआ है? ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार सुनवाई ना करते, वो बोलते हैं काम हमारा हो गया है पूरा। बस सज्जन पाल ठो, सज्जन पाल ने माने कर दिया, मेरे ठिकाना है तुम ये सब दिखाओ। आपने शिकायत करी आपने नगर पंचायत में? आपने ना, हमने ना करी सा, अब हमें तो दिख रहा है कि यहाँ कछु काम ना आ रहा। एक साल से काम बंद है? हाँ, एक साल से ठप्पा है मामला। कोई कहे तो पैसा? क्या नाम है आपका? गविंद्र सिंह। गविंद, क्या शिकायत है? यही शिकायत है, कोई काम है ही नहीं दे रहा, सब जो जुगती पड़ी है तुम्हारे सामने पड़ी है, आप देखें जाए, न कोई गेट है, न कछु है, न कोई फुलवाड़ी है, न पेड़ है, कछु है, न पौधा है, कछु ना है रहा। हमें और नाली दो पैसा ही नहीं बनी, वो नाली पाई नाली कर रहा हूँ। नाम है खेल मैदान जी, खेल मैदान है ये, बड़ा सुंदर और स्वच्छ आया है सरकार की ओर से, कोई झूला, पेड़ पौधे, कोई सारी सुविधा आती है और अच्छा माहौल भी है, थोड़ा बहुत करके दिखाया भी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। एक जी लाइट बंद है। आपने, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार तोमर। अजय तोमर जी, ये क्या शिकायत है? क्या शिकायत ये है? न तो इसका भर्ती हुआ है, मिट्टी पूरी नहीं पड़ी है इसमें अभी जी, गेट है, चलो गेट की दीवार रही है कोई बात नहीं, बाहर साइड में दीवार टूटी पड़ी है जी, और ठेकेदार से बात करें तो ठेकेदार कहता है मेरा पेमेंट ऊपर से रुका पड़ा है तो मैं काम कैसे करूंगा इसका। तो इसमें कोई पार्क, झूला, कुछ नहीं, कुछ नहीं बना यहाँ पर, सब खुला हुआ है, सब खुला पड़ा है यहाँ पर, बच्चे खेलते हैं, गाय बैल इसमें, सांड वगैरह उसमें गोबर वगैरह करते रहते हैं, बैठते तो हैं। आपने ईओ या चेयरमैन साहब को या किसी को शिकायत की? हाँ, शिकायत की है तो वो कहते हैं कि ठेकेदार करेगा, ठेकेदार से बात करो। क्या नाम है आपका? रामू सिंह। आप किस वार्ड में, किस कहाँ से, कैसे? 12 नंबर वार्ड है हमारा, जानकी नगर जी। क्या शिकायत है आपकी? ये कार्य चल रहा था नगर पंचायत से। कहाँ से नगर पंचायत, क्या है? मडराक नगर पंचायत से कार्य चल रहा है हमारे गांव में जी, कार्य ये आरसीसी सीमेंट की जो है बाईपास कार्य चल रहा है जी, आप देख रहे हो ये जी। और आप देखिएगा, पास से रखिएगा आप अपना कैमरा जी, ये देखिएगा, ये बिल्कुल बालू में काम चल रहा है, बिल्कुल बालू में, बालू दिखा दो, ये देखिए बालू है, बिल्कुल नहीं सीमेंट है, नहीं कुछ है, आप देख लीजिए। और तो आपने शिकायत की मडराक नगर पंचायत जावे? आपने नगर पंचायत ईओ साहब से बोलते हैं, वो तो रोजाना आ रही है, हमने सभासद जी से शिकायत करी अपने से, और वो सभासद जी रोजाना जाके शिकायत करते हैं नगर पंचायत में जाके, मैडम आती तो नहीं, कोई आपको संतुष्टि नहीं मिला? कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, चेयरमैन साहब आती नहीं गाँव में, बड़े बड़े नेता भी नहीं आते। नाम क्या चेयरमैन साहब का? चेयरमैन साहब का और राजकुमार जी है जो दिवाकर राजू भैया, अभी तक आप शिकायत में नहीं आए? वो नहीं आते ही नहीं है गांव में, आते नहीं है गांव में, राजनीति करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, आते ही नहीं है गांव में। ठीक है,
और देखिए इधर साइड भी देखिए, ऊपर से लगी हुई है बालू की दीवार है बिल्कुल, और ऊपर से लगा दी है ये बिल्कुल, आप कहो तो गिरा के दिखाएं, बिल्कुल गिर जाएगी, हाथ से गिर जाएगी बिल्कुल, इसमें सीमेंट है ही नहीं है, बालू में चिन दिए निकाला, जबकि आरसीसी से बड़ा अच्छा कार्य आता है ऊपर से योगी मोदी जी द्वारा, और यह गाँव में आके बिल्कुल नहीं आता, जीरो लेवल पर बिल्कुल जीरो हो जाता है, गाँव लेवल में आते आते। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।